अच्छा ठीक है, बट सब ये ज़हीर अब्बार साहब द लेजेंड, उन्होंने भी कहा है कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन जो है वो नहीं है, हमें भी पता नहीं है, वो उससे सीनियर हैं, चार पांच साल क्रिकेट ज्यादा खेले हैं, ओवरऑल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेले। करता कौन है? मेरा ख्याल बाबर ने कभी क्लेम नहीं किया। ठीक है कि भाई किसी सेन बंदे ने जिसका दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है उसने कभी ये चीज क्लेम नहीं की। बाकी जहां तक फैंस की बात है, फैन का क्या जो है उसके तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो किससे मर्जी कंपैरिजन कर दे। तो फैन इज नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोफेशनल है वो तो सब जानते हैं कि कोहली इज एट अ डिफरेंट लेवल। अब बाबर के नहीं कंपैरिजन में, सारी दुनिया के प्लेयर्स का अगर कंपैरिजन करें तो जो मौजूदा डेढ़ दहाई गुजरी है इसके अंदर कोहली और एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर कोई भी नहीं आया। बिल्कुल, इन ये दोनों के साथ कोई भी नहीं करता। ये जितने वर्सटाइल क्रिकेटर्स हैं इस तरह से तो ना इंडिया की टीम में कोई दूसरा है, ना दुनिया की दूसरी टीम में कोई दूसरा है जो एबी डिविलियर्स और ये अपने दिन पे कर सकते हैं, ये करते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इनकी फील्डिंग है, जो इनका भागना है, एथलेटिसिज्म है, बड़ी हिट्टे मार लेना, लंबे रन कर लेना, तो वो तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है तीसरी दुनिया में। तो कौन कंपेयर कर रहा है इनको? इनको पहले तो वो लबो जा रहा है, इनको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो अवेलेबल लॉट है उसमें बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, दी बेस्ट, एग्जैक्टली। इसको बाबर आजम का, ये बाबर आजम का डाउनग्रेड नहीं है कि हम उन्हें कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास अवेलेबल लॉट में बेस्ट प्लेयर बाबर आजम ही है। ठीक है, मिचेल स्टार्क, दूसरा स्टीव स्मिथ जिन्हें बदमाश क्रिकेटर भी कह सकते हैं, उन्होंने बोला है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली वो ऑस्ट्रेलियन माइंडेड क्रिकेटर हैं, यानी उनमें बड़ी एक होता है आग है उनमें, और वो प्रेशर कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं और चैलेंजेस को बहुत पसंद करते हैं, और वो मुकाबलेबाजी में आए तो बड़ा इस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं। ये उन्होंने दोनों ने स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर बात की और उन्होंने खूब तारीफ की विराट कोहली की, और जो एक बात उन्होंने की कि क्रुशल स्टेज के ऊपर या चैलेंजिंग स्टेज के ऊपर बड़ा धांसू किस्म का वो खेलते हैं और उनके उनकी परफॉर्मेंस ये बताती है, और ख़ासकर पाकिस्तानी शायकीन तो जुबानी याद रखते हुए, खासकर T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की बता रहा हूँ, बाकी भी मैं बताऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो 6 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें से 4 बार वो आउट ही नहीं हुए, सिर्फ 2 बार आउट हुए, 2021 में जब शाहीन अफरीदी ने किया और अब 2024 में न्यूयॉर्क के अंदर जब नसीम शाह ने उनको आउट किया, उससे पहले वो आउट ही नहीं हुए। और ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज के अंदर स्वयं इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में जो सेमीफाइनल खेला, बाकी हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज की बात करता हूं, वनडे में नॉकआउट में उन्होंने क्या किया 2015 और शायद 2019 था, उनकी परफॉर्मेंस खास नहीं, अदरवाइज वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। और चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी एवरेज नॉकआउट मैचेस में 100 प्लस है, T20 में 99 है, ये उनकी परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, 2012 में वो पहली दफा खेले थे, अब ये T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, उन्होंने 78 नॉट आउट की इनिंग खेली थी, 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ 36 नॉट आउट की खेली थी, 2016 में 55 नॉट आउट खेली थी, 2021 में 57 रन बना के वो आउट हो गए थे, अकेले वही खड़े हुए थे वैसे, और 82 रन की इनिंग 22 में खेली जब मेलबर्न में जो उन्होंने अपनी बेस्ट इनिंग डिक्लेयर दी उस वक्त की, ये मेरी बेस्ट इनिंग है, और 2024 में 4 रन बनाए, नसीम शाह ने उनको आउट कर लिया था, ये 2 बार आउट हुए 21 में और 4 में जो टोटल उनका हुआ है, और कुल मिला के 6 मैचेस में 312 रन हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, 6 मैचेस में 312। ये मैं पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए बताता हूँ कि आप पाकिस्तान के क्रिकेटर उठा के देख लीजिए, इंडिया को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि ये हमेशा प्रेशर गेम होती है, एक तो वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज की गेम प्रेशर होती है, दूसरा पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेशर होता है दोनों तरफ से, और ये सभी खिलाड़ी मानते हैं, इंडिया के भी मानते हैं और पाकिस्तान के भी मानते हैं। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 82 है जो मेलबर्न में उन्होंने किया था, और एवरेज देखें 156 की एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि 4 बार तो वो नॉट आउट है, वो तो काउंट ही नहीं होती ना इनिंग उस तरह से। स्ट्राइक रेट 132 का है, ये उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली के 27,000 रन आप देखें, 35 साल का, अभी 40-41 साल तक वो खेलेगा, जैसी फिटनेस है मुझे लग रहा है कि ये सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा अगर खेलता रहा, जैसी इसकी फिटनेस है, जैसा इसको शौक है, पैशन है, हंगर है, ऐसे नहीं ये बनाए इसने 27,000 रन। इसने कप्तानी छोड़ी है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर कप्तानी की तरफ। बाबर के लिए और अच्छा होना था कि जब बनाया था बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले, उस वक्त एक्सेप्ट ना करता तो ड्रेसिंग रूम में भी कितनी इज्जत रहनी थी। 595 इनिंग्सों में 27,000, ग्रेट सचिन के 677 इनिंग्सों में 29,467 रन बनाए हुए, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये खेलेगा तो ये तो मेला लूट लेगा। ऐसे ऐसे प्लेयर बनते हैं रोल मॉडल कि एक चीज छोड़ दी है उसके बाद उस चीज के पीछे घेरनी है। तो यही चाह रहे थे कि बाबर ऐसे 25-30,000 रन बनाता। नमस्कार दोस्तों, भारतीय पावर में आपका स्वागत है।
दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तानी लीजेंड शहीद अब्बास का स्टेटमेंट आया है विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में। उन्होंने बोला है कि विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन है वो बेसलेस है। विराट कोहली हर इम्पोर्टेंट मैच में प्रदर्शन करते हैं, स्कोर करते हैं, रन बनाते हैं, और बाबर आजम जो है कभी किसी इम्पोर्टेंट मैच में वो रन नहीं बनाता। दोस्तों इस समय पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब की बहुत बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि बाबर आजम ने जो वाइट बॉल कैप्टेंसी है उसको छोड़ा है, रिज़ाइन किया है, और पीसीबी ने उस रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब पाकिस्तानी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी और इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कई मैच भारत को जिताए, वैसे ही बाबर आजम को करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम इससे पहले भी कप्तानी छोड़ चुका है, और जब इसको कप्तानी फिर से ऑफर हुई वर्ल्ड कप में, T20 जो वर्ल्ड कप था, तो उसने फिर से एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन था आपके सामने है। US जैसी टीम जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी उसने इसको हराया, भारत ने 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था हराया, और सुपर 8 तक ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बाबर आजम का प्रदर्शन है, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, सब में बाबर आजम की कैप्टेंसी में पाकिस्तान टीम गर्त में गई है। उसका एक रीज़न ये है कि जो टीम है उसके अंदर फूट पड़ गई, जो प्लेयर है वो आपस में कप्तानी के लिए लड़ गए, 3-4 धड़ा बन गया। एक धड़ा ऐसे प्लेयरों का था जो बाबर आजम को पसंद नहीं करते थे, आमिर टाइप के लोग, दूसरा शाहीन अफरीदी का ग्रुप था, और तीसरा बाबर आजम का ग्रुप था। ये सारे ग्रुप आपस में लड़ते रहते थे, जैसे पाकिस्तानी टीम बर्बाद हुई है। दोस्तों आप वीडियो देखिए, इंजॉय करिए, धन्यवाद। रोहित शर्मा ने जिस तरह इस टेस्ट मैच में कप्तानी की है ना, हमें ऐसा कप्तान चाहिए। देखिए कोई खास अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है जीतना है, जीत छीन के लानी है, ऑपोजिशन से नहीं, मौसम से, वक्त से। 2.5-3 दिन आप निकाल दो, 2 दिन में टेस्ट मैच जीता है, कप्तान आ रहा है 2 छक्के लगा रहा है, वो सोच नहीं रहा मेरी विकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे रन का कोई माने नहीं रखते, मेरे रन, मुझे जीत चाहिए। ये सीखना है, इस अप्रोच के साथ जाना है। ऐसी तो नहीं ना 66.66 विन परसेंटेज है रोहित शर्मा का। यार वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल सिर्फ एक मैच हारे ना, उसके बाद T20 में अनबीटन फाइनल तक गए, फाइनल जीता, और तीसरी बार अब मार्चिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ऐसे ऐसे कप्तान की जरूरत है हमको। आई होप बाबर आजम रियलाइज करें जो हम पिछले 2.5-3 साल से बोले जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में और वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं, उन्होंने मुरलीधरन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया टेस्ट के हवाले से, तो आप देखें कि उनकी एज तो 38 है, फॉर नॉट रॉन्ग, तो आप देखें कि इस उम्र में उन्होंने सेंचुरी भी की है और उन्होंने इसी के साथ जो है वो विकेट्स भी निकाली हैं। चले ठीक है, मतलब मान लिया कि स्पिनर्स की जो एज है स्पेसिफिकली वो निखरती है वक्त के साथ साथ, लेकिन यह है कि हमने बहुत बार जो है वो फिर हमने भी अपने लोगों को मौका नहीं दिया। अश्विन है, मुरलीधरन का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में होता है, ये भी ऑफ स्पिनर है, दोनों मुख्तलिफ अंदाज से गेंदबाजी करते हैं। जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है, जो रिकॉर्ड है, उन्होंने ज्यादा मैचेस में उतनी हासिल की, इन्होंने कम मैचेस में उतने मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड हासिल किए। देखें कि इंडिया की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 50-60-70 टेस्ट मैचेज हैं। अश्विन की सेंचुरियाँ बाबर आजम के बाद पाकिस्तान में की टीम में उतनी सेंचुरियाँ किसी की नहीं जितनी अश्विन की हैं, और वो अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बैट्समैन नहीं है, वो बॉलर है। बिल्कुल सही बात। ये एक फर्क है, और ये प्रोसेस है पूरे का पूरा। हाँ। वो क्यों बेहतर हैं या ऑस्ट्रेलिया क्यों बेहतर रहा, ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है ना, उन्होंने निसाब का हिस्सा बना दिया, ठीक है, और हमने अजाब बना दिया क्रिकेट को पूरे मुल्क के लिए, ठीक है, कि इस तरह से फैसले करते हैं जो मतलब है कि शिद्दत के साथ लोगों की तकलीफ में उसका इजाफे का बायस बनते हैं।